हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और पिछले वीडियो तक में आपने विभवांतर जान लिया था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है। आज हम लोगों को जानना है ओम का नियम और प्रतिरोध। अच्छा, विभवांतर जो आपने जाना था, एक चीज़ जान लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच जब विभवांतर होता है, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, एक उच्च विभव पर रहे दूसरा निम्न विभव पर रहे, बिंदु ये उच्च विभव पर, बिंदु बी निम्न विभव पर, तभी इन बिंदुओं के बीच धारा प्रवाहित हो सकता है। बात समझ में आ रही है? विभवांतर का होना अति आवश्यक है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है दोनों बिंदुओं के बीच। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर है उन्हीं बिंदुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे जब बैटरी होता ना, जो बैटरी आपने देखा होगा, जो बैटरी होता है उसमें भी दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो जो प्लस वाला प्लेट होता है वो उच्च विभव पर होता है और जो माइनस वाला प्लेट होता है वो निम्न विभव पर होता है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में, इनके टर्मिनल्स के बीच में हम कोई यंत्र अगर लगा देते हैं, विद्युत बल्ब वगैरह, तो वो धारा उसमें प्रवाहित होता है और विद्युत बल्ब प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। चलिए आज का हेडिंग आप डाल दीजिए, ओम का नियम। सबसे पहले ओम का नियम, जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। राइटिंग कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर है, ऐसा आप सब मान के चलेंगे। ठीक है, और ध्यान से सिर्फ बात को सुनिए। ओम्स लॉ, सन 1828 की बात है। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जार्ज साइमन ओम, एक भौतिक शास्त्री थे। तो जार्ज साइमन ओम ने बड़ा अध्ययन किया विद्युत धारा के ऊपर, और बहुत अध्ययन करने के बाद में फिर उन्होंने बताया कि किसी चालक की, चालक तार आप जानते हैं, आपके घरों में इस्तेमाल होता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, इन सब चीज़ का जो तार है वो चालक तार होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वही चालक है। तो किसी चालक की भौतिक स्थितियों को अगर हम ना बदलें, भौतिक स्थितियाँ मतलब तापमान, दाब, आयतन उसका, उसकी ये भौतिक स्थितियां अगर अपरिवर्तित रहें तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा और विभव का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, वह सदैव नियत रहता है। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये दो भाषा में आप कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक जार्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित रहें तो चालक में, नोट कर रहे हैं? हाँ, नोट कर लेना जरूरी है। तो ठीक है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यदि बी है, कोई चालक तार ले लेते हैं, ये चालक तार है जी, ये और बी, ठीक है। अच्छा, आपने तार देखा होगा, तो तार में दो चीज़ें होती हैं, एक तो चालक तार की लंबाई और दूसरा ये दोनों परिच्छेद, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, इधर एक वृत्ताकार क्षेत्रफल आपको दिखा होगा तार को, जब आप उसकी एक लंबाई होती है और दूसरी ओर से देखने पर ना यहाँ पर ऐसे वृत्ताकार एक क्षेत्रफल दिखेगा, गोलाई में तो होता है तार। अब जैसे ये मार्कर हो गया जी, ये मार्कर हो गया, तो ये मार्कर की लंबाई हो गई और ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया दोनों तरफ। ठीक है, तो तार में भी ऐसे होता है। ये एक चालक तार है ए बी, और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो है बी वोल्ट। बी वोल्ट का विभवांतर है इन बिंदुओं के बीच में, या चालक के सिरों के बीच बी वोल्ट का विभवांतर है और इसमें प्रवाहित धारा आई है। धारा को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है एरो लगा करके, इसमें प्रवाहित धारा आई है। तब ओम के नियमानुसार इसका जो विभवांतर है ये इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं
कि चालक के सिरों के बीच के विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का जो अनुपात है, अर्थात बी और आई, बी बटा आई, ये वी बटा आई लिखेंगे तभी तो बी और आई का हमको अनुपात मिलेगा। तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, ये अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक कांस्टेंट निश्चित होता है। ठीक है जी, चलिए अभी आप बताते हैं कि नियतांक होता क्या। बी प्रोपोर्शनल टू आई या बी अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा सुनिए, ये जो नियतांक है ना, इसको चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये बराबर हो गया आर, जहां आर चालक का प्रतिरोध है। एक नया शब्द आप सब ने सुना होगा, प्रतिरोध, विद्युत धारा में अब तक में नहीं मिला था, अब ये आगे मिलता ही रहेगा। चालक का प्रतिरोध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा सुनो, ये पता कैसे लगा था, ओम ने ये प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया था? तो इसमें जो पहले शर्त लिख दिया जाता है कि यदि चालक तार की भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित रहें, अगर हम भौतिक स्थितियां बदल दिया करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम चालक को पहले एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में जो प्रवाहित धारा है वो 2 एम्पियर है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, ये एक चालक तार ले लिए भैया, ठीक है, ये पूरा परिपथ बना करके तैयार कर दे रहे हैं, ये बैटरी लग गया, बैटरी लग गया, सबसे पहले 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया, तब इसमें प्रवाहित धारा जो है वो 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। ये जो बड़ा लाइन बैटरी को इसे प्रदर्शित किया जाता है, एक बड़ी लाइन और उसके बगल में एक छोटी लाइन, तो जो बड़ा वाला लाइन होता है ना, ये इसका प्लस पॉइंट होता है बैटरी का, धन सिरा, और जो छोटा वाला लाइन है ये इसका माइनस वाला पॉइंट होता है। बैटरी में आपने देखा होगा, एक प्लस का पॉइंट होता है, एक माइनस का पॉइंट होता है, तो ऐसे ही बैटरी से हमने जोड़ दिया, एक सर्किट बना दिया, पूरा परिपथ तैयार कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक तार ए बी में, फिर इसी चालक तार ए बी को हमने 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जब 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तब पता लगा, यहाँ पर विद्युत धारा मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको अमीटर कहते हैं। ऐसे ही गोल घेरा बना करके ये लिख दो परिपथ के बीच में, तो समझ जाओ कि उस जगह पर एक धारा मापक लगा हुआ है, धारा का मान अमीटर से मापते हैं, और विभवांतर को ओल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है, उसको मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं ओल्ट मीटर, विभवांतर मापने का, और विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है उसको अमीटर कहते हैं। ऐसे गोल घेरे में ये लिख करके छोड़ दिया जाता है, ये अमीटर का चिन्ह होता है कि बीच में अमीटर लगा है। चलिए, यहाँ बीच में अमीटर लगा हुआ है, अमीटर में पता लगा कि पहले 12 वोल्ट से जोड़े थे तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस सर्किट में भी हमने एक अमीटर लगा दिया, तो अब की बार अमीटर बता रहा है कि इसमें जो प्रवाहित धारा है वो 4 एम्पियर है, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर। तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर पहले कितना था? 12 वोल्ट, धारा कितना हुआ? 2 एम्पियर। अगर हम 12/2 करें तो हमको कितना मिलेगा? विभव बी बटा आई का मान अगर हम निकाले हैं तो हमको मिलेगा 6 मिलेगा, और इस स्थिति में जब हम बी बटा आई करेंगे, 24/4 लिखेंगे, तब हमको कितना मिलेगा? 6। दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं कि उसी कमरे में, जिस कमरे में पहले ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, कमरा वही है, इस बात को क्लियर करने के लिए कि उसकी भौतिक स्थितियाँ नहीं बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक बार हम जो है जम्मू कश्मीर में ऐसा कर रहे थे, उसके बाद में फिर चले गए राजस्थान में, जम्मू कश्मीर जो ठंडा प्रदेश था और राजस्थान जो गर्म प्रदेश था, तो अगर ये भौतिक स्थितियाँ बदलेंगी तब तो भैया ये मान थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, भौतिक स्थितियाँ अपरिवर्तित होनी चाहिए। तो जिस कमरे में ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाए थे चालक तार के सिरों के बीच में, अब की बार उसी कमरे में रख करके और 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, तब इसमें धारा जस्ट डबल हो गया। अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे, तो धारा भी दोगुना हो जाएगा। बात समझ में आई? यही था ओम का नियम, ओम ने यही बताया था कि किसी भी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, और दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को कहा जाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है वह सदैव एक नियतांक होता है, यदि चालक की भौतिक स्थितियाँ अपरिवर्तित रहें। तो बी बटा आई बराबर एक नियतांक, बी बटा आई बराबर आर, आर क्या होता है? चालक तार का प्रतिरोध,
अब हम लोग जानेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या है। अच्छा, तो यहीं से एक बात मिल जाएगा कि बी बटा आई बराबर होता है आर। यहीं से आपको आर का एक डिफिनेशन मिल जाएगा। एग्जाम में कभी लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और सुनिए, जो ये जो प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध इस चालक का गुण है, चालक के पदार्थ का गुण है। चालक जिस पदार्थ का बना है, ये उसका गुण है कि यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है। कोई भी चालक है, जब उसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होता है तो वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और यही गुण चालक तार का, या गुण है या अवगुण है, जो भी है, बस गुण में शामिल है, यह गुण चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध वास्तव में एक प्रतिबाधा है या अवरोध है। वाह भाई, प्रतिबाधा और अवरोध दोनों को अगर हम मिला दें, प्रतिबाधा का प्रति ले लें और अवरोध का रोध ले लें, तो बन जाता है प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल मिला के ये प्रतिबाधा है या अवरोध है, धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला रुकावट या प्रतिबाधा या अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। दो डिफिनेशन आपको पता लगा, एक तो किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली प्रतिबाधा अथवा अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और ये इसका जब हम लोग आंकिक मान निकालेंगे, इसका आंकिक मान कैसे निकालेंगे, बी बटा आई कर देंगे। ठीक है, चलिए इतने बात को नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों के मान से इसका मान बढ़ जाएगा, किस चीज़ के मान से इसका मान घट जाएगा। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है, क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोध है ना, वो कम होता है, वह धारा के मार्ग में रुकावट कम उत्पन्न करता है, अधिक से अधिक धारा प्रवाहित होता है उसमें, इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला हेडिंग डाल दीजिए, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध या धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला प्रतिबाधा या अवरोध, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है, ठीक है, ये निर्भर किन चीज़ों पर करता है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहली बात नोट कर लीजिए। आंकिक रूप में इसको लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, चालक की लंबाई। ठीक है, जहां L चालक की लंबाई है, जहां L चालक की लंबाई है, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, ये उस चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने बताया ना, ये मार्कर हो गया, ये मार्कर की लंबाई हो गई। ठीक है, और ये जो दोनों तरफ का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार जो आपको दिख रहा है दोनों ओर, ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाता है। तो दूसरी बात ये इसमें लिखनी है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी जी। R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, अनुक्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे ही होता है, बस इधर वाला जो होता है ना, वो एक बटा में हो जाता है, एक बटा वन बाई ये, मतलब कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, जहां ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। जनरली ये वृत्ताकार ही होता है, तार आपने देखा होगा, सारा तार गोल गोल होता है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये चीज वृत्ताकार होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। कहने का मतलब यह है बच्चा लोगों, कि अगर चालक तार की लंबाई ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात
यदि इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मान हम ज्यादा करेंगे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मान बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मान अगर हम कम करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये बटा में हो गया ना, बटा में हो गया तो नीचे जो बटा में होता है इसी से हमको भाग देना होता है। अब जिस संख्या से हमें भाग देना है उसका मान अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो भागफल हमें कम प्राप्त होगा, और जिस संख्या से भाग देना है उसका मान अगर हम कम कर दिए तो भागफल ज़्यादा प्राप्त होगा। यही बात होती है। आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये के तो इस बात को अंकित रूप से ऐसे दर्शाया जाता है, आर प्रोपोर्शनल वन बाई ए। ये समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है। समीकरण एक और दो से लिख देना, समीकरण एक तथा दो से बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हमको मिल जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को जब मिलाएंगे ना जी तो इधर वाले का गुणा नहीं होता है, ये आर आर ही रहेगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। जब हम यल में गुणा करेंगे वन बाई ए का, यल में गुणा करेंगे वन बाई ए का, तो ये यल का गुणा वन में, ये सबके नीचे बाई वन होता है। अब देखो गुणा का नियम यही तो है कि ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। तो इसका जब गुणा होगा तो यल का गुणा वन से यल हो जाएगा और ये का गुणा वन से ये हो जाएगा। गुणा करने पर हमको मिल जाएगा, इसको इरेज करते हैं, गुणा करने पर हमको मिल जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू यल बाई ये। अच्छा, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको एक नियतांक लेना होता है। प्रोपोर्शनल हटा करके इसकी जगह पर अगर हमको बराबर लगाना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं, आर बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बाई ये। हमें लग रहा है कि हमने सिग्मा बना दिया है, ये होता है जी रो, रो इंटू एल बाई ये। रो और सिग्मा सब ऐसे है, बस वो सिग्मा लेटा रहता है, ये खड़ा है, ठीक है। रो इंटू एल बाई ये, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ये। ये फार्मूला एक नियतांक है, जहाँ लिख देना आप ये रो है, रो जहाँ रो एक नियतांक है, इस रो कहते हैं, जहाँ रो एक नियतांक है, अच्छा ठीक, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध चालक का, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक और चीज आपको मिल गया, प्रतिरोध था, अब ये विशिष्ट प्रतिरोध भी आ गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता अंग्रेजी में रेसिस्टिविटी, ठीक है जी। इन दोनों समीकरण को मिलाने पर हमको मिला था आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनल को हटाना है, बराबर लगाना है, तो हमको एक नियतांक लेना पड़ता है। नियतांक में यहां पर रो लिया गया है। रो क्या है? इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसके प्रतिरोधकता के लिए डिफिनेशन बनाया जाए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है और हमको रो के लिए डिफिनेशन बनाना है, तो सबसे पहले रो के लिए फार्मूला बना लेते हैं, ठीक। इतने बात को नोट कर लीजिए, या इधर चलिए कर लेते हैं, इधर हो जाएगा, ठीक है। हमको फार्मूला मिला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर क्या है सब जानते हैं आप सब, R प्रतिरोध है सर। R इज इक्वल टू मिला है रो इंटू एल बाई ए। अब इस जगह पर कैंची गुणा कर देते हैं, रो के नीचे भी बटा एक है, कैंची गुणा जब कर देंगे हम लोग तो रो और एल का गुणा एक में होगा, ये रो इंटू एल हो जाएगा इज इक्वल टू आर का गुणा होगा एक और ये से। तो जब इन तीनों का आपस में गुणा करवाएंगे तो हमको आर ये मिल जाएगा। जब यहाँ से रो का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा
आर इंटू ए अपान एल, ये हो गया रो के लिए सूत्र। अब रो का अगर हमको डिफिनेशन बनाना है तो हमको एल का मान एक करना होगा और ये का मान एक करना होगा। यदि चालक की लंबाई, चालक की लंबाई एल बराबर एक मीटर तथा ये क्या है जी, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर जिसको कहते हैं। अच्छा मीटर सेंटीमीटर में क्यों नहीं होता सर, सेंटीमीटर में भी होता है बेटा, लेकिन वो सीजीएस पद्धति में होता है और हमको अपना एमकेएस पद्धति बरकरार रखना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आपके न्यूमेरिकल में दे दिया है क्षेत्रफल तो उसको आप मीटर स्क्वायर में कर लेना, ठीक है। एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10^-2 मीटर, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 10^-4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो आप, दोनों पक्ष का वर्ग कर दो तो 1 cm² बराबर आपको मिल जाएगा। इसका भी जब हम दोगुना करेंगे तो 10^-4, और ये मीटर का दोगुना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को इस तरह से कन्वर्ट करके आप मीटर स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा हमने कर दिया, यल का मान एक मीटर ले लिया और ये का मान एक मीटर स्क्वायर, एकांक ले लिए, तब हमको क्या मिला, रो इज इक्वल टू आर। उस स्थिति में हमको ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये प्रतिरोध के बराबर मिला। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, किसी एकांक लंबाई वाले चालक में जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर है, ठीक है, के प्रतिरोध के बराबर ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, या एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जब उसकी लंबाई हम लोग एक ले लेंगे, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी एक होगा, तो उसका जो प्रतिरोध है, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने का गुण है या जो मान है जितना रुकावट वह उत्पन्न करता है, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है। एक बात और लिख लीजिए, प्रतिरोध का मात्रक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रतिरोध का मात्रक। अच्छा प्रतिरोध का खोज किसने किया, ओम साहब ने किया, तो इन्होंने अपना ही नाम दे दिया। जैसे अलेसेंद्रो वोल्टा ने अपना नाम दे दिया था विभवांतर के लिए, वोल्ट उनके नाम पर। अच्छा फिजिक्स में अधिकांश जो मात्रक है ना, वो उसके खोजकर्ता वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं के नाम पर है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक अगर हम इसके सूत्र से बनाएं, आर इज इक्वल टू होता है बी अपान आई। अच्छा प्रतिरोध का भी यहां से एक डिफिनेशन आप सब बना लेंगे, प्रतिरोध का भी डिफिनेशन आप सब बना लेंगे, आर इज इक्वल टू होता है बी अपान आई। प्रतिरोध का डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, आई का मान एक कर दीजिए और बी का मान एक कर दीजिए, ठीक है। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट करने पर उसमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर है तो चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा, ठीक है। अगर ये बात भूल गए तो वीडियो को फिर से बैकवर्क करके पीछे करके थोड़ा सा पुनः देखना, अब ये तो आपके घर की खेती है जी, एज यू लाइक, जितना मर्जी उतनी बार देखो, जितना मर्जी उतनी बार सुनो। तो यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट रखा जाए तथा उसमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा, ठीक है। ये प्रतिरोध का डिफिनेशन हो गया। प्रतिरोध का मात्रक एमकेएस पद्धति में ओम होता है, और अगर इसके सूत्र से इसका मात्रक बनाए तो बी का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है सर, आई का मात्रक एम्पियर होता है सर, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।